बोधगया से बहुत सारी यादें जुड़ी है, आते तो मेमोरी रिफ्रेश हो जाती है बिल्कुल। नमस्ते दोस्तों, मैं उज्जवल और मैं शिवम, और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि हम बिलोंग करते हैं गया बिहार से, जो कि ज्ञान और मोक्ष की धरती के नाम से भी जाना जाता है, और अभी हम मौजूद है गया के बोध गया में, जो कि एक वर्ल्ड हेरिटेज प्लेस है। यहाँ दुनिया भर के काफी कंट्री से लोग जो है घूमने आते हैं, और स्पेशली विंटर के टाइम में यहाँ जो है एक खास पूजा होती है, जिसमें विजिट करने के लिए काफी कंट्री से लोग यहाँ आते हैं। तो यहाँ देखने के लिए, घूमने के लिए काफी चीजें हैं, जिसमें से एक है गौतम बुद्ध की एक सबसे बड़ी प्रतिमा, जिसको हम कह सकते हैं, जो कि 80 फीट की ये मूर्ति है, स्टैचू है। तो चलिए देखते हैं वीडियो में कि इसमें और क्या क्या खास चीजें। यहाँ आने के लिए सबसे पहले आपको बोधगया आना होगा। आप रेलवे स्टेशन से या बस से आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको बोधगया आना होगा, और यहाँ आकर आप कोई भी लोकल व्हीकल से इस 80 फीट आप स्टैचू बोलेंगे, वहाँ फेमस 80 फीट के नाम से जो मूर्ति है, उसी नाम से है वो, 80 फीट के नाम से ही प्रसिद्ध है, वो कोई भी यहाँ ड्रॉप कर देंगे। और दोस्तों, इसका खुलने का जो समय है, यह सुबह 7 बजे से 12 बजे तक खुली रहती है, और विजिट करने का टाइम, विजिट करने का जो टाइम है, और फिर जो है 12 से 2 ये बंद होता है, फिर 2 से 5 ये चलता है, और फिर शाम में उसके बाद फिर ये क्लोज हो जाता है। तो आप 5 बजे तक ही यहाँ विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं हमारे बोध गया का जो 80 फीट स्टैचू के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे भगवान बुद्ध जो है वो ध्यान आसन मुद्रा में बैठे हुए हैं, और यह स्टैचू जो है वो 80 फीट के नाम से जाना जाता है, जिसमें 15 फीट का जो पेडेस्टन बना हुआ है, जिसमें कि एक कमल का आसन बनाया गया है भगवान बुद्ध के लिए, और 65 फीट की उनकी ऊंचाई है, उस स्टैचू की जो है वो ऊंचाई है, और ये दोनों मिला करके ये 80 फीट का टोटल स्टैचू, इसलिए 80 फीट के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ दोस्तों, इस स्टैचू को बनाने में लगभग 12,000 कारीगरों ने मिलकर इसको तैयार किया था, जिसको बनाने में कुल समय लगे हैं 7 साल। 1982 में इसका फर्स्ट जो फाउंडेशन है वो रखा गया था, और 7 ईयर्स यानी 18 नवंबर 1989 को जो है ये फाइनली बनकर कंप्लीट हो गया था, जिसमें कि सैंडस्टोन और रेड ग्रेनाइट जैसे पत्थरों का यूज़ किया गया है इसको तैयार करने के लिए। और इसके साथ दोस्तों, इसमें एक और खास चीज़ है इस स्टैचू की, आप अगर ध्यान से देखेंगे ना, तो इसमें भगवान की जो आँखें हैं ना, जो बुद्ध भगवान की आँखें, वो आधी खुली हुई और आधी बंद है, मतलब वो हाफ ओपन है। आइए दोस्तों, बात करते हैं, अभी हमारे एक भैया भी मिल गए हैं, ये भी यहाँ घूमने के लिए आए हुए हैं, इनसे जानते हैं कि इनको यहाँ आकर कैसा लगता है। पहले तो भैया, आप अपना नाम पहले बताइए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम विकास आलोक हुआ, और इनका नाम भी बताइए। ये बताइए, आप लोगों को यहाँ आकर कैसा लगता है? यहाँ मतलब बोधगया से बहुत पुरानी यादें जुड़ी हुई है, मतलब बोधगया हमेशा, जब मैं पहले गया में था तो बोधगया हमारे इस मतलब ये कि मतलब वीकेंड्स का एक मतलब डेस्टिनेशन जगह था, मतलब वीकेंड्स में यहाँ आना ही आना ही आना, जस्ट टू रिफ्रेश योर मूड, मतलब आइए थोड़ा घूमिए फिरिए। तो अभी जब भी गया आने का मौका मिलता है तो बोध गया आने का मतलब एक, अगर टाइम रहा तो प्लान बन जाता है कि मतलब एक बार यहाँ पे, तो काफी मतलब गया के लिए समझिए गया का एक पहचान है बोध गया, जिससे कि मतलब इंटरनेशनली गया को काफी लोग जानते हैं। आप भी कुछ राय दीजिए अपना, बताइए कि आपको कैसा लगता है यहाँ आकर के। बस बोध गया से बहुत सारी यादें जुड़ी है, आते तो मेमोरी रिफ्रेश हो जाती है बिल्कुल।
बहुत अच्छा लगता है, लिटरली गया की एक पहचान हो गया। और आप हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? आए इस बार तो सबसे पहले तो देखे कि शिवम मिला मेरा बहुत पुराना, मतलब काफ़ी अच्छा हमारा फ्रेंड है, तो देखे कि ब्लॉगिंग चल रही है, मुझे बहुत खुशी हुई मिल के, काफ़ी दिनों के बाद मिले। तो बस ये है कि आप लोग इनको सपोर्ट कीजिए, इनका चैनल जो है काफ़ी अच्छा है। अभी तक वीडियोस देखते थे भैया, उज्जवल शिवम, उज्जवल शिवम ब्लॉग्स है इनका चैनल, तो इसको सपोर्ट कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इनको प्रमोट कीजिए। गया को मतलब काफ़ी प्रमोट कर रहे हैं, गया के प्रयास, हाँ एक मतलब अच्छे अच्छे प्लेसेस को काफ़ी आगे बढ़ा रहे हैं, और फिर इसके बाद बिहार एंड देन आफ्टर प्रोग्रेस प्रमोशन होता रहेगा, लोग जहाँ जहाँ बुलाते रहेंगे हम लोग वहाँ पहुँचते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए काफ़ी अच्छा अनोखा अंदाज है। बिल्कुल गया आइए, बोध गया आइए, बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छी जगह, और इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्या बात है भैया, बहुत बहुत थैंक यू। चलो ओके, बाय 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 बाय। और दोस्तों मेन स्टैचू के आसपास भी राइट लेफ्ट में भी आपको कुछ स्टैचूज देखने को मिलेंगे, जैसा कि हम देख सकते हैं हमारे पीछे भी इस साइड में भी आपको कुछ स्टैचूज हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये गौतम बुद्ध के शिष्य थे जो कि उनके साथ ध्यान करते थे और उनकी सेवा करते थे, उन लोगों का भी यहाँ स्टैचू बनाया गया है और उनका नाम भी मेंशन किया गया है। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे इनका नाम इसमें मेंशन किया हुआ है, सुबुति, उनका ये स्टैचू बनाया गया है। आइए देखते हैं आगे भी। और यहाँ पर एक और उपाली, इनका ये स्टैचू है। और साथ ही में यहाँ पे महाकश्यपा। और एक और चीज़ आप नोटिस करेंगे इन स्टैचू में कि इनका जो भी पोज है खड़े होने का और हैंड स्टाइल है वो सभी में अलग अलग तरीके से। दोस्तों इस कैंपस में गार्डन एरिया भी जो है बनाया गया है देखने को मिलता है, और यहाँ का एनवायरनमेंट काफ़ी पीसफुल है। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो जितनी देर भी आप यहाँ पे रहते हैं आपको काफ़ी अच्छा फील जो है यहाँ होता है। दोस्तों हमने आपको दिखाया बोध गया का सुप्रसिद्ध 80 फीट स्टैचू, जो कि एक इंटरनेशनल टूरिस्ट प्लेस है जहाँ जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, देशों से भी छोड़िए दोस्तों विदेशों से भी यहाँ काफ़ी लोग आते हैं इसे देखने के लिए, बोध गया भ्रमण करने के लिए, घूमने के लिए, जिसे हमने आपको आज दिखाया। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आप यहाँ आए हैं तो आपको यहाँ आकर कैसा लगा ये भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर जरूर करें, और अगर चैनल पर नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और अगर हमें आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।